बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सनिया और आप देख रहे हैं लज़्ज़त कुकिंग। आज हमारे किचन में बहुत ही यम्मी पर बहुत ही डिलीशियस KFC स्टाइल जिंगर बर्गर बनने जा रहा है और ये बर्गर उन तमाम बच्चों के नाम डेडिकेटेड है जिनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है और वो तकरीबन रोज़ ही अपने पेरेंट्स से इसकी फरमाइश करते हैं। और उन तमाम पेरेंट्स के लिए हैं जो बच्चों की इन फरमाइशों से तंग हैं और डेली बेसिस पे उनको बाहर से ये नहीं खिला सकते, तो आप बिलीव मी, इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और इतने आसान तरीके से घर पे बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों की पार्टीज़ पे बना सकते हैं, लंच में दे सकते हैं, टी टाइम पे बना सकते हैं, तो आप इसको घर पे बहुत आराम से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चिकन बोनलेस चाहिए, आप थाई का पीस जो है वो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रेस्ट पीस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप थाई का पीस यूज़ करेंगे और उसको बोनलेस करके इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा जूसी होगा, ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा, लेकिन आप चाहें तो आप ब्रेस्ट पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। तो आज मैं यहाँ पर ये दो ब्रेस्ट पीसेस ले रही हूँ और इनको जो है वो मैं जिंगर बर्गर में यूज़ करूँगी। तो जिन स्पाइसेस की हमें यहाँ पर ज़रूरत है, अगेन वो बहुत सिंपल से स्पाइसेस हैं। आपको क्या चाहिए, आपको 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, 1/2 टीस्पून आपको सॉल्ट चाहिए, 1/2 टीस्पून आपको रेड चिली पाउडर चाहिए और 1 टीस्पून आपको टिक्का मसाला चाहिए और 1/2 टीस्पून आपको मस्टर्ड पाउडर चाहिए। सिर्फ यही वो सिंपल से स्पाइसेस हैं जिनसे आप इस चिकन को मैरिनेट करेंगे और जिंगर बर्गर इंजॉय करेंगे। इसके अलावा आपको 1 टेबलस्पून सिरका, या आप इसको लेमन जूस के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून लेमन जूस या 1 टेबलस्पून सिरका आपको चाहिए होगा इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। तो पहले स्टेप में हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आप इस चिकन में ऐड कर दें। तो मैंने सिरका इसके अंदर ऐड कर दिया है, मैं इसके अंदर जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी, मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दूंगी, मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी, मैं इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूंगी। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड करने हैं, इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है और मैरिनेट करने के बाद 1 घंटे के लिए आपने इसको कवर करके फ्रिज में रख देना और 1 घंटे के बाद इसकी मैरिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद फर्दर हमने इसके साथ क्या प्रोसेस करना है वो फिर मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। व्यूअर्स, मैंने चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने को फ्रिज में रख दिया था। ठीक है, और अब 1 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला और अब मैं इसकी कोटिंग करूँगी। इसकी कोटिंग किस तरह से करनी है कि इसके बहुत खूबसूरत से ज़बरदस्त है KFC स्टाइल जो है वो क्रम्स बने, उसके लिए आपको ये चिकन पीस लेना है और इसको मैदे में कोट कर देना। इस मैदे में मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया, कोई सॉल्ट, कोई पेपर, कोई कॉर्नफ्लावर, कुछ भी शामिल नहीं किया। जस्ट आपने मैदे से इसको अच्छी तरह से कोट कर लेना है। कैसे कोट करना है कि आपने ये लेना है, इसमें इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है, इसको अच्छी तरह से जो है वो दबाना है, इसको हाथ में ले, इसको यूं करके अच्छी तरह से प्रेस करें, इसको दबाएं, इसको जितना अच्छा आप इसको प्रेस करेंगे, जितना अच्छा आप इसको दबाएंगे, कुछ टाइम के लिए आप 1-2 मिनट के लिए जो है वो इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर मैदा डालें और इसको अपनी मुट्ठी में लें और अच्छी तरह से इसको प्रेस करें। फिर दूसरी तरफ से भी आप इसको ऐसे ही करें कि मैदा लें, इसको मुट्ठी में लें चिकन के पीस को, इस पर अच्छी तरह से जो मैदा है उसको आपने प्रेस करना है। 1-2 मिनट तक आप बार बार यूं ही करेंगे और उसके बाद फिर आपने इस चिकन के पीस को जो है वो यहाँ पर फ्लैट कर देना है इस मैदे के ऊपर और हाथ से इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। अब 1-2 मिनट तक आप ये वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये चिकन का पीस लेना है और इसको वाटर में डिप कर देना। अब ये जो मैंने पानी लिया है ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, गर्म नहीं है, इसके अंदर कुछ भी एडेड नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे टैप वाटर लिया। ठीक है, आप ये पानी लेंगे और इसमें इसको 1 मिनट नहीं बल्कि लेस देन अ मिनट आपने इसको डिप करना है और डिप करने के बाद दोबारा से आपने इसको मैदे में ऐड कर देना और बिल्कुल उसी तरह से कोटिंग करनी है जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने मैदा लिया
इस चिकन के पीस के ऊपर डाला, इसको प्रेस किया, इसको फोल्ड किया, इसको हाथ में लेकर इसको दबाया। बस यही वाला प्रोसेस आपने अगेन 1 से 2 मिनट तक करना है ताकि मैदा अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो जाए। तो व्यूअर्स, आपने ऑयल रखा, इसको गर्म होने के लिए रख दिया और आपने चेक करना है पहले इसका टेम्परेचर के कितना है। ना ही ज़्यादा बहुत हॉट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे होना चाहिए, आपने इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है। तो मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देती हूँ। उसके बाद आपने ये चिकन फिलेट लेना है, देखिए इसके कितने अच्छे से इसके क्रम्स बने हैं। आपने ये लेना है और इसको फ्राइंग के लिए डाल देना है। फ्राइंग पर डालने से पहले आप देख लें कि जो भी एक्स्ट्रा मैदा इसके ऊपर लगा हुआ है आप उसको डस्ट करके सेपरेट कर दें और इसको फ्राइंग के लिए रख दें। आपने जब इसको फ्राई करना है तो आपने 5 मिनट एक साइड पर फ्राई करना है और 5 मिनट के लिए इसकी साइड को टर्न करके फ्राई करना है और बार बार इसको जो है वो टर्न नहीं करना, ठीक है। 5 मिनट दें, 5 मिनट के बाद फिर साइड टर्न करें और फिर दूसरी साइड पर आप इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करें। तो व्यूवर्स देखिए, मैंने चिकन को फ्राई कर लिया, आप ये देखिए इसके कितने ज़बरदस्त से कि बिल्कुल KFC स्टाइल जो है वो इसके क्रम्स आए हैं। तो अब इसको असेंबल कैसे करना है, इसको बर्गर में पुट कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आप इन बर्गर्स को ओपन करें और उसको हल्का सा बटर लगा के या ऑयल लगा कर तवे पे या ओवन में जो है वो आप इसको रोस्ट कर लें हल्का सा ग्रीस करने के बाद। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने जो है वो इसके ऊपर सॉस अप्लाई करनी है। तो ये मेरे पास मायो सॉस है, इस पर मैंने मायोनीज़ और कैचअप चिली गार्लिक सॉस को मिक्स करके ये सॉस बनाई। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो रेगुलर कैचअप या चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये मायोनीज़ है, यह हम यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट जो है ये मेरे पास लेटस हैं, ये आप रखेंगे, चीज़ के स्लाइसेस हैं और चिकन है जो हमने फ्राई किया था। तो लेट्स स्टार्ट कि हमने कैसे करना है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर मायो सॉस अप्लाई करूँगी। आप जितनी चाहें इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो अपर साइड है उस पर मैं मायोनीज अप्लाई करूंगी। ये सॉसेस आपको जितनी पसंद हो आप अपने टेस्ट और अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर व्यूअर्स, आप इसके ऊपर जो है वो लेटस का पीस रखें। लेटस का पीस रखने के बाद फिर आप इसके ऊपर ये जो चिकन था वो आपने इसके ऊपर रख देना। नेक्स्ट आपने इन चीज स्लाइसेस को ओपन करना है और इसको इन पीसेस के ऊपर रख देना। नेक्स्ट आप इसको जो है इस अपर कवर के साथ इसके ऊपर रख देना। तो व्यूअर्स, हमारा KFC स्टाइल जिंगर बर्गर रेडी है, ये आपके सामने है। मैंने कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और कितने आसान मेथड से आपको ये बनाना सिखाया है। आप अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।